वीडियो काफ़ी वायरल होंगी है। दो कुड़ियां जिहड़ियां ने बड़ी ही उन्होंने आपत्तिजनक अवस्था के देखा जाता, एक रैली के निकालिया जाता है, जिस तो बाद काफ़ी ज़्यादा मामला पक्षा हुआ दिखाई दे रहा। साडे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी निंदा की सख्त शब्दों में। ये चीज़ें वायरल हुई है तब लोगों तक पहुंची, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ थी? वहाँ पर अगर ये बात वीडियो वायरल आप करने की करें, ये तो चलो किसी, मुझे नहीं मालूम है कैसे एक वीडियो वायरल हो गया, ऐसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसे हुए हैं। वीडियो वायरल हुई तभी सरकार तक पहुँची, क्योंकि उससे पहले तो सरकार की आँखें ही बंद थी, सेंट्रल की आँखें बंद थी। कि जब ऐसे समय में जब आग भड़कती है तो उसको ठंडा करने में समय लगता है। दो महीने से ज्यादा मई का मामला और जुलाई में आके जब इतना मामला भड़का है, वीडियो वायरल हुई है, तो क्योंकि ना इस वजह से लोगों में शायद गुस्सा भी ज्यादा है। जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां को एक मत होना चाहिए, एक साथ में होना चाहिए, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे का भी एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज को क्लियर कर दें कि वहाँ पर हिंदू और क्रिश्चियन की लड़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पर लड़ाई धर्म की नहीं हो रही है, वहाँ पर जो लड़ाई है वो लड़ाई है हर ट्राइब की आपस में। वहाँ पर जो कुकीज ट्राइब के लोग हैं वो मेथीज को ये पूछकर नहीं मार रहे हैं या ये पूछकर उनके चर्ची तोड़ रहे हैं कि आप क्रिश्चियन हो के हिंदू हो, और ना मेथीज कुकीज को ये पूछ के मार रहे हैं कि आप क्रिश्चियन हो के हिंदू हो। और बहुत ही शर्म की बात है जो लोग इसको धर्म का रंग दे रहे हैं, या तो वो नासमझ हैं या फिर वो जानबूझ के ये कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ थोड़े नाल निधि वर्मा। इस वेले मणिपुर का एक मामला काफ़ी ज़्यादा भखदा होया, एक बहुत ही वड्डा रूप लेंदा दिखाई दे रहा है, जिस दे विच देखा जाता एक वीडियो काफ़ी वायरल होंदी है, एक दो कुड़ियां दी, जिस दे विच दो कुड़ियां जिहड़ियां ने बड़ी ही उन्होंने आपत्तिजनक अवस्था दे विच देखा जाता, एक रैली दे विच निकालिया जाता है, जिस तो बाद काफ़ी ज़्यादा मामला पख्या होया दिखाई दे रहा है। तो इस नूं लैके साडे नाल अज कुछ लोग मौजूद ने, तो उन्होंने असीं गलबात करांगे। सत श्री अकाल सर, अपने बारे पहले कुछ दसो। मैं एक थोड़ी रिक्वेस्ट करांगे या असी हिंदी च कम्यूनिकेट करांगे, क्योंकि साडे मणिपुर के भरा ने, तो ताकि कोई किसी प्रकार का कम्यूनिकेशन गैप ना हो। नमस्कार जी, मैं अरनस मसीह हाँ, मैं एडवाइजर नैशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज़ हाँ। तो अज असी इत्थे एकत्र होए हैं कि देखो मैडम, तुसी पहले ही दसता सानू कि विषय क्या है, कि असी इहदी बहुत ही सख्त शब्दों निंदा करते हैं, ये जो होया बहुत ही शर्मनाक हादसा है, और साडे जिहड़े ऑनरेबल चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा जी नैशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज़ ने, उन्होंने भी जब ये उन्होंने गल नोटिस चाहिए, उन्होंने बहुत ही सख्त शब्दों से इसकी निंदा की। साडे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी निंदा की सख्त शब्दों से, मगर इतने नाल दे नाल चिंता का विषय यह बनता जा रहा है कि इस वक्त एक जिहड़ा माहौल मणिपुर बनया होया है, जो कि एक ट्राइबल लड़ाई है कबीलियां दे विच, उसनों विपक्ष है जिहड़ा इकट्ठा होकर एक धर्म का रंग देता जा रहा, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है। यहोजे समय से जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां को एक मत होना चाहिए, एक साथ में होना चाहिए, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे का भी एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी शर्मनाक ये जो विपक्ष हरकत कर रहा है। असल में हम यहाँ पे एकत्र इसलिए हुए हैं कि हम लोगों से बात कर सकें। ये मणिपुर के लोग हैं, ये मणिपुर से एक पास्टर हैं, इनके साथ और भी पास्टर्स हैं जो वहाँ पे जिनके चर्च तोड़े गए हैं, ये यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के मणिपुर के स्टूडेंट यूनियन के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये सब लोग आज इकट्ठे क्यों हुए हैं? ये एक तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम समाज को क्लियर कर दें कि वहाँ पर हिंदू और क्रिश्चियन की लड़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पर लड़ाई धर्म की नहीं हो रही है, वहाँ पर जो लड़ाई है वो लड़ाई है हर ट्राइब की आपस में। वहाँ पर जो कुकीज ट्राइब के लोग हैं वो मेथीज को ये पूछकर नहीं मार रहे हैं या ये पूछकर उनके चर्ची तोड़ रहे हैं कि आप क्रिश्चियनों के हिंदू हो, और ना मेथीज कुकीज को ये पूछ के मार रहे हैं कि आप क्रिश्चियनों के हिंदू हो। वहाँ पर जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइब है, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब का दुश्मन बना हुआ है, और बहुत ही शर्म की बात है जो लोग इसको धर्म का रंग दे रहे हैं, या तो वो नासमझ हैं या फिर वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, और यदि वो जानबूझ के कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे समय में जबकि हमें एकत्र होके, एक साथ होके, एक मंच पे होके ये संदेश देना चाहिए कि हाँ जी, इस ये वह समय नहीं है कि जब हथियारों और तलवारों के द्वारा जंग जीती जा सकती है, आज एक मत होके एक टेबल पे आके बातें सुलझाई जा सकती है। उसी कारणवश हमारे मणिपुर से ये भाई एकत्र हुए हैं, जो विक्टिम भी हैं और जो ये बात, ये संदेश भी देना चाहते हैं, अपने मणिपुर के लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो बात एक डायलॉग के द्वारा एक टेबल में बैठ के की जा सकती है,
वह हथियार और तलवारों के द्वारा नहीं की जा सकती। सर, इसी बीच में आपने एक बात कही कि जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया, काफ़ी क्रोध जताया, गुस्सा जताया, हर एक का एक गुस्सा नज़र आया, पर ये चीज़ें वायरल हुई है तब लोगों तक पहुंची, उस समय वो कहाँ थे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ थी? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो भी हादसा हुआ है ये 3 मई से शुरू हुआ। बिल्कुल, 3 मई और 4 मई तक एक बहुत ही वहाँ पर एक 2 महीने से ज़्यादा, हाँ जी, 3 मई और 4 मई की अगर हम बात करें, ये जो पहला हफ्ता रहा ये बहुत ही खौफनाक रहा वहाँ पे। वहाँ हैवानियत का नंगा नाच हुआ वहाँ पर। अगर ये बात वीडियो वायरल आप करने की करें, ये तो चलो किसी, मुझे नहीं मालूम है कैसे एक वीडियो वायरल हो गया, ऐसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसे हुए हैं और जिनके साथ हुए हैं हमारी पूरी संतावना है, हम समझ सकते हैं कि वो किस दौर से गुजरे होंगे। लेकिन ये समय ऐसे वीडियो वायरल करना, पहली बात तो ये अपने आप में एक शर्मनाक हरकत थी, क्योंकि किसी के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात हो सकती है। सर, वीडियो वायरल हुई तभी सरकार तक पहुंची, क्योंकि उससे पहले तो सरकार की आंखें ही बंद थी, सेंटर की आंखें बंद थी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी इसका जायजा ले रही थी। जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा जी, वो उस समय से लेकर अब तक संपर्क साधे हुए हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के जो ट्राइब्स के जो लीडर्स हैं वो भी उनसे मिले हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको एक डायलॉग के द्वारा हम शांत कर सकें। लेकिन आप भी समझदार हैं कि जब ऐसे समय में जब आग भड़कती है तो उसको ठंडा करने में समय लगता है, और हर तरीके से जो भी हम तरीके अपनाना चाहिए सरकार वह तरीके अपना रही है, और जो भी डायलॉग अभी आज भी यहाँ पर एकत्र होने का मकसद क्या है, इन लोगों का यहाँ पर आने का हमारे साथ मकसद क्या है, ताकि ये लोग, इनके अपने लोग हैं ये लोग उनको संदेशा देना चाहते हैं कि इसको बंद कीजिए। क्योंकि अब यहाँ पर बात, यहाँ पर सरकार के इंटरवेंशन की या किसी की बात करने की रह नहीं गई, ये लड़ाई बहुत आगे उनकी निकल चुकी थी। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार को बहुत सूझबूझ के साथ डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि विपक्ष इन बातों को मुझे लगता है कि या तो समझता है, या अगर नहीं समझता है तो भी बड़ी सोचने का विषय है, और अगर समझते हुए भी ये कर रहा है, इनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि काफ़ी लंबा समय है सर, 2 महीने से ज़्यादा, मई का मामला और जुलाई में आके जब इतना मामला भड़का है, वीडियो वायरल हुई है, तो क्योंकि ना इस वजह से लोगों में शायद गुस्सा भी ज़्यादा है, क्योंकि 2 महीने पहले ये सारा मामला हुआ और आज जाके ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये मई से जो हुआ था, जो स्टार्टिंग का 1 वीक था, उस वक्त जो माहौल था कुछ और था, ठीक है। आज जो स्थिति है वहाँ पर, वह स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। सरकार का इन चीज़ों पे, मतलब कि जो वहाँ पर अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मीडिया की बात, ये वो, आप लोग भी मीडिया से हैं, ठीक है नहीं। आज आपको एक आवाज़ दी गई कि यहाँ पर मणिपुर के भाई लोग इकट्ठे होना चाहते हैं, तो आप बताइए, आपको किसी ने रोका? मैं भी सरकार की तरफ से हूँ, मैं एडवाइज़र हूँ, मैंने तो खुद आपको इनवाइट किया है कि ये लोग अपनी बात वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मीडिया को रोका जा रहा है, ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक ऐसा माहौल बना होता है, उस समय सूझबूझ के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि यदि एक भी डिसीजन ऊपर नीचे हो गया तो ये दंगे और भड़क सकते हैं। सो हमारे साथ मणिपुर के पास्टर भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो सर। हेलो, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट सर, क्या क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे आप सभी इस मैटर के बारे में? एक्चुअली मैम, जो भी हुआ है इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है, जो कुकी समुदाय और जो मैटे समुदाय के बीच में जो लड़ाई हुआ था, इट्स ए वेरी सैड इंसिडेंट। बट जबकि ऑलमोस्ट 80 डेज हो गया है, एंड ओनली द थिंग, वन ऑफ द कंसर्न वी हैव इन मणिपुर इज़ वहाँ की जो नेशनल मीडिया बहुत कम है, एंड अनदर वन इज़ व्हाट वी फेल्ट इज़ वहाँ पे जितने भी हो रहे हैं वहाँ पे मोर देन द 80 डेज इंटरनेट इज़ टोटली सीज, नो मोर इंटरनेट, सो ऑल द मीडिया इज़ टोटली ब्लॉक, वी कैन नॉट रीच आउट, इवन यू नो माई चर्च, माई सेंटर हैज़ बिन टोटली वैंडलाइज, बर्न हो गया, फिर भी अभी तक हमारे पास कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी वीडियो हमारे पास नहीं है। तो मतलब कि देर आर सो मैनी इंसिडेंट कि जबकि मोर देन 150 लोग मर गया है लास्ट 2 मंथ्स में, मोर देन 80 डेज में, बट ओनली 1 इंसिडेंट जस्ट 3 डेज बिफोर आ गया था, तभी उसकी वजह से सारा होल इंडिया जो नेशनल मीडिया हो गया था।
बट नाउ अभी हमारा हम चाहते हैं कि हमारा अपील है कि टू द हमारा जो माइनॉरिटी कमीशन में जो हम रिक्वेस्ट इकबाल सिंह लालपुरा से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम मणिपुर की सिचुएशंस को पीस लाने में सम हाउ यू नो वी रियली वॉन्टेड टू ब्रिंग टुगेदर यू नो वी वॉन्ट टू सिट टुगेदर कि जो कुकी जो समुदाय लोग और मैटे समुदाय लोग वार से हम वहाँ पे कोई भी पीस नहीं होंगे और एक एक दूसरे के घर जलाने में रिवेंज लेने में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे. इट विल बी मोर देर विल मोर बर्निंग. तो ओनली द सॉल्यूशन इज़ पीस लाने के लिए वी हैव टू कम टुगेदर, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, वी हैव टू फॉरगिव, वी हैव टू लव वन अनदर. देन ओनली वी कैन ब्रिंग यू नो वननेस एंड द पीस एंड हार्मनी इन मणिपुर. और वही मैं बताना चाहता हूँ कुकी ब्रदर्स को भी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ. इवन माई माइटे कम्युनिटी को भी मैं बताना चाहता हूँ कि लेट्स यू नो ब्रिंग पीस एंड हार्मनी इन आवर स्टेट मणिपुर. लेट्स लिव टुगेदर यू नो जैसे पहले से हमारा जो मणिपुर है. लेट्स नॉट ब्रेक द टेरिटरी ऑफ मणिपुर, लेट्स लिव टुगेदर. हम काफ़ी 100 सालों से हम एक साथ जी रहे हैं एंड लेट्स लिव टुगेदर. सो बिल्कुल साढ़े नाल जिथे मणिपुर के हिंसा नू लेके लगातार अग भड़की हुई दिखाई दे रही है तो उत्थे ही कुछ एडवाइजर ते हो जिहड़े उत्थे पास्टर सीगे उह मौजूद सीगे साढ़े नाल, उन्हां नाल असीं गलबात कर रहे सी काफ़ी ज़्यादा. जिथे 2 महीने पहले मामला हुंदा है करीबन 6 से 7-8 मई का यह मामला हुंदा है जिथे 2 कुड़ियां नू बड़ी ही आपत्तिजनक अवस्था दे विच इक रैली दे विच घुमाया जांदा है तो उत्थे ही एक सोशल मीडिया जो वीडियो वायरल होंगी उदों जाके सरकारा दियाँ अखा खुलदियां ने, सेंट्रल दियाँ अखा खुलदियां ने. तो असी इसी नूं लैके गलबात कर रहे सी, आए सी शांति का संदेश दिन पर जो असी सवाल पूछे तो कई सारे सवालों के जवाब मिले. तो इस नूं लैके तुहानूं की लग्या, सैटिस्फैक्शन की हुई ते होर तुहाडे किहड़े सवाल ने साडे नाल जरूर सांझा करियो. तो इदां ही होर अपडेट्स लई बने रहो साडे नाल. कैमरा परसन अशोक दे नाल मैं निधि वर्मा.